शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे जो तकब्बुर करते थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हो तो भी, अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे नजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हां, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज, जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजो गम क्यों करूं? और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया, यहां तक कि वो मालो औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे कि इसी तरह का रंजो राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकात के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके आमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अजाब रात को वाके हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आनाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दांव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं ये अम्र मुजिबे हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सके? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसे मान ले। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है, और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा, और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूं सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गई, और अपना हाथ गरीबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक यानी रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और इसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। चुनाचे ऐसा ही किया गया, और जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला तो अता कीजिएगा ना? फिरौन ने कहा, हां जरूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब फरीकैन रोजे मुकर्रा पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया यानी नजरबंदी कर दी।
और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया। और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। तब वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगल जाएगी। आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनाचे इस मौके पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए। और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा, पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है, ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो। सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ए परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तेकामत की दहाने खोल दे और हमें फरमाबरदारों की हालत में वफात दीजियो। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें। उसने कहा कि हम उनके लड़कों को तो कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को जिंदा रहने देंगे, और बिला शुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है, और अंजाम तो परहेजगारों ही का भला होता है। वो बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हमको अजियतें पहुंचती रहीं और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। और हमने फिरौनियों को खुश्क सालियों और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते कि हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुंचती तो उसे मूसा और उनके रफीकों की बदशगुनी बताते। देखो, इनकी बदशगुनी अल्लाह के हां मुकद्दर है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि तुम हमारे पास था कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। और जब उन पर अजाब वाके होता तो कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है। अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो फौरन अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको समंदर में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। और जो लोग कमजोर बनाए जाते रहे उनको हमने जमीन शाम के मशरिक व मगरिब का, जिसमें हमने बरकत दी थी, वारिस कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में उनके सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वादा नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे, सबको हमने तबाह कर दिया। और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, ये लोग जिस शगल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है, और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा है। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया, तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहेतूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशीन हो,
और उनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहितूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से नवाज कर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करती हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुठलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने जेवर से एक बछड़ा बना लिया, वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने यह ना देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है, उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया, क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाहा? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसे और मुझे जालिम लोगों में शामिल न समझिए। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गजब वाक़े होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहेतूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही इसे हलाक कर देता, क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है, और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूं नाजिल करता हूं और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की,
وہی مراد پانے والے ہیں۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں
खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई और उसको इल्म के लबादे से आरास्ता किया तो उसने उसको उतार फेंका, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर उस पर हमला करो तो जबान निकाले रहे या उसे यूं ही छोड़ दो तो भी जबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वो फिक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकजीब की उनकी मिसाल बुरी है, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राहयाब है, और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए, यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो, वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके रफीक यानी पैगंबर को किसी तरह का भी जुनून नहीं है, वो तो साफ साफ खबरदार करने वाले हैं। क्या उन्होंने आसमान और जमीन की बादशाहत में और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नजर नहीं की, और इस बात पर ख्याल नहीं किया कि अजब नहीं कि उनकी मौत का वक्त नजदीक पहुंच गया हो, तो उसके बाद वो और किस बात पर ईमान लाएंगे। जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहें। ये लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाके होने का वक्त कब है, कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही इसे इसके वक्त पर जाहिर कर देगा, वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहा तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ हो, कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे, सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है, फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे, फिर जब वो उनको सही और सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं, सो जो शिर्क वो करते हैं अल्लाह का रुतबा उससे बुलंद है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं, और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा ना माने, तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो। मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं, अच्छा तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें, भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने। कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकते हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं
اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ اے نبی، عفو و درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیم کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے
उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोजख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। बस तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थीं तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे गरज यह थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है। हुआ भी यूं ही और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका। अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे। और तुम्हारी जमात खा कितनी ही बड़ी हो, तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो, जबकि तुम सुनते भी हो। और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते, और अगर अल्लाह उनमें खैर की तलब देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर यूं ही उन्हें सुनवा देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जाविदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और यह भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाकई न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब तुम जमीन मक्का में कलील और जईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी खत्म न कर दें, तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तकवियत बख्शी और पाकीजा चीजें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। ए ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें, तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे। और अल्लाह ऐसा न था कि जब तक है पैगंबर तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और न ऐसा है कि वो तो बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें अजाब दे। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे, जबकि वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जबकि वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं है। इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते। और इन लोगों की नमाज खाने काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिबे अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे, और काफिर लोग दोजख की तरफ हांके जाएंगे ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोजख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। ऐ पैगंबर, कुफार से कह दो कि अगर वो अपने अफाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका वो उन्हें मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकत करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक में भी बरता जाएगा। और इन लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए, और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करें
تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔